दोस्तों, हम अपने चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताएंगे और साथ में दिखाएंगे भी। शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये मूवी देखी हो। ये एक बहुत बेहतरीन इंग्लिश मूवी है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ये जो शॉट आप देख रहे हैं, इस मूवी का स्टार्ट होती है यहाँ से। वही इसके ये स्टार्टिंग शॉट है, इसलिए ना आगे जाके ये मूवी बहुत ही अच्छी और अच्छी होने वाली है। आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा। ये मूवी कुछ बंदरों पे बनाई गई मूवी है। एक एक बहुत अच्छी स्टोरी इसके अंदर लगाई गई है, और मैंने जो देखी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इस मूवी को देखें और हमें अपना फीडबैक दें, और हमारा ये चैनल इसे सब्सक्राइब करें। ये हम अभी स्टार्ट में शुरू शुरू में ये काम कर रहे हैं, इसलिए हमें आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आस्ते आस्ते आपको बहुत बेहतरीन ऐसी और एंटरटेनमेंट देंगे। दोस्तों, इस मूवी के अंदर एक वायरस फैलता है, जैसे हाल ही में कोरोना वायरस फैला था। वो वायरस देखते देखते पूरी दुनिया की हर कंट्री में फैल जाता है, जिससे दुनिया के सब बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट बहुत परेशान होते हैं। इस वायरस को रोकने के लिए तरजीह करते हैं, लेकिन ये रुक नहीं पाता। देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल जाता है। दुनिया के हर छोटे बड़े, अमीर गरीब, हर मुल्क में ये पहुंच जाता है। हर सब डॉक्टर बेबस हो जाते हैं। हर किस्म का हेल्थ का निज़ाम इस वायरस के आगे बेबस हो जाता है। इस तरह पूरी दुनिया तकरीबन 80% तबाह, 70% तबाह ही हो जाती है। और इस मूवी के की स्टोरी बहुत अच्छी है, जो हम आपको सारी दिखाएंगे और साथ में बताएंगे भी, और आपको सुन के बहुत अच्छी लगेगी। अभी इसका थोड़ा सा तारफ ही आपको कराया है। इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड में इसके बारे में आपको मुकम्मल बताएंगे। इस मूवी के दो पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 पे ही बात करेंगे। जब पार्ट 2 पे बात आप देखेंगे तो पार्ट 1 ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएगा। उसको देखना इतना ज़रूरी नहीं है। ये एक मुफरद किस्म की मूवी है, जो इंसानों पर नहीं, जानवरों पर बनाई गई है। और इसके अंदर बहुत डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत से ये मूवी को बनाया है। और जितनी मेहनत की है इसको बनाने में, मैं तो कहता हूँ शायद ही ना जाने कितना अरसा लगा है इसको शॉर्ट करने में। कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी मूवी है।